वही आपको बता दें कि महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी गई है और मोदी कैबिनेट में जो है ये मंजूरी दी गई है। मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी है। मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। संसद में महिला आरक्षण पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारी संवाददाता भावना फोन लाइन पर जुड़ रही है। भावना, महिला आरक्षण बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, क्या कुछ जो है बातें और सामने आ रही है इसे लेकर? बिल्कुल, यहाँ पे आपको जानकारी दे दूं कि महिला आरक्षण विधेयक जो है पिछले 27 सालों से लटका हुआ था। यूपीए की सरकार की अगर बात की जाए तो वहां पर राज्यसभा में जो ये विधेयक है ये पारित हो गया था, लेकिन लोकसभा में जाकर अटक गया था और लगभग कम प्रतिशत वोटों के कारण ये बिल पास नहीं हो पाया था। ऐसे में लगातार इस बात की अटकलें थी कि आखिर महिला आरक्षण बिल को लेकर जो लगातार कहा जाता है कि 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा, उनकी राजनीति में भागीदारी और हिस्सेदारी बढ़ाई जाएगी, आखिर वो मामला अभी तक क्यों लटका हुआ है। ऐसे में मोदी सरकार ने विशेष सत्र बुला के इस पूरे बड़े मामले को लेकर आज कैबिनेट की बैठक की, जिस बैठक में सबसे पहले मंजूरी इस मामले को मिली। ऐसे में बताया जा रहा है कि कल जब संसद यानी कि नई संसद में प्रवेश होगा, नया इतिहास रचना होगा, नई बातों को लिखना होगा, तो सबसे बड़ा मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक यहां पर काम आने वाला है, जो कि आदि आबादी को साधने के लिए तैयार हो रहा है, जो कि 2024 के एजेंडे को लेकर भी एक बड़ी पहल मानी जा रही है कई बड़े विशेषज्ञों की, राजनीतिज्ञों की। तो ऐसे में यहां पर बिल्कुल कहा जा सकता है कि कल अगर संसद के पटल पर जिस तरीके से साफ तौर पर बताया गया कि मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, तो कल ये बिल पेश होगा और इसके बाद जो है साफ तौर पर अगर देखा जाए, अगर वोटों की तरफ से भी तो कहीं ना कहीं समर्थन जो है भाजपा के तरफ से मिलता हुआ तो नजर आएगा, लेकिन जो परेशानियां लगातार हम देखते हैं कि आंकड़ों को लेकर होती है वो शायद होती भी ना नजर आए, क्योंकि एक सुर में इस मामले को लेकर पूरा विपक्ष भी एकजुट है। क्योंकि आज हमने खुद देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये बात सामने रखी कि ब्रिटेन की बात हो, अमेरिका की बात हो, तो महिलाओं के आरक्षण की हिस्सेदारी लगभग 28% से लेकर जो है 33% है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो महिलाओं के आरक्षण की जो हिस्सेदारी है वो मात्र 14% है, और ऐसे में अगर विधानसभा के लिहाज से देखें तो ये हिस्सेदारी सिर्फ 10% है, यानी कि महिलाओं की वो हिस्सेदारी जो कि पिछले 2 दशक से इस बात का इंतजार कर रही है कि आखिर ये हिस्सेदारी 33% कब होगी, इसको लेकर आज कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ये बड़ी पहल है, पुराने संसद भवन को अलविदा कहकर नए संसद भवन से नया आगाज, नया इतिहास लगने की जो तैयारी है वो मोदी सरकार कर रही है, क्योंकि इस साल 5 राज्यों में चुनाव है तो अगले साल जो है लोकसभा के बड़े इलेक्शन होंगे, और ऐसे में ये तमाम चीजें मास्टर स्ट्रोक के लिए काम आएंगी। लगातार ये भी बताया गया है कि जहां 3 तलाक का मुद्दा, 370 का मुद्दा, राष्ट्रवाद का मुद्दा, जीएसटी नोटबंदी कहीं ना कहीं कारगर साबित हुए चुनावों के समय में, वो तमाम चीजें जो है इफेक्ट होती हुई नजर आई, वहीं ये महिलाओं का मुद्दा भी इफेक्ट करता हुआ नजर आ सकता है। इस मामले को लेकर जब हमने कई सांसदों से बातचीत की जो कि झारखंड से आते हैं, तो उनका ये भी कहना है कि अगर ये पटल पर आता है तो पूर्णतः हम लोगों का समर्थन होगा, क्योंकि आदि आबादी को समर्थन देना बहुत जरूरी है, और इसी आदि आबादी को अगर साथ लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से चल रहे हैं तो 2024 में स्थिति पलटते हुए भी नजर आ सकती है। बिल्कुल, महिला आरक्षण को लेकर ये बड़ी खबर है और बिल्कुल जो मंजूरी दी गई है ये बहुत अच्छी है मंजूरी, जो कि लटका हुआ था काफी समय से यह मामला। बहुत बहुत धन्यवाद भावना तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।